जी और कल्याण जी के बारे में जो कि काफ़ी बड़े अचीवमेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं, दार्शनिक प्रेस मीडिया अवार्ड है बेस्ट आइकन एक्ट्रेस। एंड आइकन मतलब कि आपने कई फील्ड में काम किया होगा तभी दिया जाता है। और कल्याण जी एंड टीम ने मेरा पूरा काम देखा है, उसके बाद ही मुझे बेस्ट आइकन एक्टर अवार्ड मिला है। एंड थैंक यू मीडिया का भी, क्योंकि उन्होंने अप्रोच किया है, मेरे बारे में आर्टिकल्स लिखे हैं, आप सभी ने लिखे हैं। मैंने हर फील्ड में काम किया है, जैसे आप जानते हैं, चाहे वो टीवी सीरियल हो। करेंटली मेरा एक टीवी सीरियल चल रहा है डीडी किसान पे, और प्राइम टाइम पे रात को 9 बजे सोमवार से शुक्रवार, किसके रोके रुका है सवेरा, और मैं उसमें लीड निभा रही हूँ। और कहानी आप लोगों के दिलों को छू जाएगी, जो मेरी कहानी है। और रीजनल फिल्मों में मैंने बहुत सारा काम किया, आप सभी जानते हैं, चाहे रबाइश नंबर एज अ निर्मात्री हो, फिर एज अ बहुत सारे एक्ट्रेसेस के थ्रू हो, प्यार तो हो नहीं था, छलिया, एंड कम से कम 8-10 फिल्में रीजनल भी हो गई हैं, भोजपुरी हिंदी भी है, और कुछ वेब सीरीज़ भी हैं, तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं मेरे। फिलहाल करेंटली मेरा सीरियल चल रहा है, और वो लाइन मैं उसके लिए ज़रूर बताऊँगी कि वो एक्चुअली है क्या। सबसे पहले उस सीरियल का एक थीम है कि एक लड़की जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी, और उसकी पैसे ना होने की वजह से और माँ बाप ना होने की वजह से उनके भाई ने उनकी शादी करा दी। अब जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी विलेज एरिया हैं, आज भी चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, जब कोई बहू बन के आ जाता है तो उसको पढ़ने नहीं देना है, उसको मर्यादा में बांध के रखना है, उसको घर का काम करना है। पढ़ लिख के क्या करेगी, आखिर में तो पति के लिए, घर वालों के लिए चूल्हा चौका ही करना है। ये जो सोच है, ये आज भी है लोगों में, इसी सोच को ये तोड़ती है, और बहुत प्यार से अपनी मर्यादाओं में रह के, अपनी बाउंडेशंस में रहकर, लोगों का सम्मान करके, अपने सास ससुर का सबका सम्मान करके, वो किस तरह पढ़ती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद किस तरह वो अधिकारी बनती है, ये पूरी जर्नी है उसकी। और ख़ासकर इस अवार्ड की बात करूँ तो मुझे बहुत खुशी है, आप सबकी दुआएँ हैं कि मैं ये अवार्ड, मुझे मिला है बेस्ट आइकन एक्टर अवार्ड। और जानते हैं कि मैं आइकन अगर कोई होता है तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, और भी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए, ताकि मैं और भी अच्छे से अच्छा काम कर सकूं और आपको अपने एंटरटेनमेंट से एंटरटेन कर सकूं। थैंक यू सो मच।